नमस्कार, आप आईवी टीवी देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। पटना में नगर निगम के चुनाव संपन्न हो गए और ये नया साल कई लोगों के लिए खुशी लेकर आया, लेकिन कई नाम ऐसे भी थे जिन्होंने जीत तो हासिल नहीं की लेकिन उनकी चर्चा खूब हो रही है। नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ और सीता साहू एक बार फिर से पटना की मेयर बन गई है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन नामों के बारे में जो भले ही जीत नहीं सके लेकिन उनकी चर्चा इस बार पटना नगर निगम चुनाव में खूब हुई। पटना नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मेयर पद पर सीता साहू ने एक बार फिर अपनी वापसी की। वहीं डिप्टी मेयर के पद पर रश्मि चंद्रवर्सी निर्वाचित हुई हैं। लेकिन चुनाव में सिर्फ इन्हीं दोनों चेहरों की ही चर्चा नहीं मिल रही, बल्कि वोटिंग होने तक कई नाम भी मेयर पद के दावेदारों में शामिल थे। जहाँ नॉमिनेशन में 33 लोगों ने मेयर पद के लिए अपनी पेशकश की, वहीं चुनाव प्रचार होने के बाद कई चेहरे नजर नहीं आए। वहीं कुछ ने प्रचार किया लेकिन वो जनता का विश्वास नहीं जीत सकी। बता दें कि मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद पद के लिए कुल 6,32,770 वोट पड़े थे। अगर बात मेयर चुनाव के सिर्फ 12 कैंडिडेट की करें तो यहां 7 लोग ऐसे थे जिन्हें 20,000 से अधिक मत हासिल हुए। इनमें मेयर सीता साहू इकलौती ऐसी कैंडिडेट थी जिन्हें 1,00,000 से अधिक वोट मिले थे। अन्य कोई भी 1,00,000 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। दूसरे नंबर पर रही महजबी ने 75,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। वहीं तीसरे नंबर पर विनीता बिट्टू सिंह रही जिन्हें 64,000 से अधिक वोट मिले। इसके बाद बाकी कैंडिडेट को 30,000 से भी कम वोट हासिल हुए, जिनमें मधु मंजरी, अंजू सिंह, कुसुम लता वर्मा, पिंकी यादव, सरिता नुपाली, पुष्प लता सिन्हा, अनुराधा चौधरी और आरती सिंह शामिल हैं। आरती सिंह को 10,000 से अधिक वोट मिले, जबकि मधु मंजरी को 29,931 वोट हासिल हुए। उप महापौर के लिए उम्मीदवारों में भी कड़ा मुकाबला देखा गया। चुनाव में डिप्टी मेयर बनी रश्मि चंद्रवर्सी को 1,47,000 से भी अधिक वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रही अंजना गांधी को 1,37,000 से अधिक वोट मिले। तीसरे नंबर पर गुड़िया कुमारी रही जिन्हें 52,000 से अधिक मत प्राप्त हुए। सीता साहू और रश्मि चंद्रवर्सी के अलावा ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने लोगों का विश्वास तो जीता लेकिन जीत नहीं पाए। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें 30,000 से अधिक वोट मिले, लेकिन कुछ ऐसे जो 10,000 के आंकड़े को भी नहीं छुपाए। लेकिन जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट इस बार के पटना नगर निगम चुनाव में देखने को मिला वो काबिले तारीफ था। सभी ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी, लेकिन जीत एक बार फिर से सीता साहू की हुई है और पटना के मेयर की कुर्सी पर एक बार फिर से सीता साहू ने कब्जा किया है। नतीजे घोषित कर दिए गए और सीता साहू एक बार फिर से पटना की मेयर बनी है। ऐसे में ये देखना होगा कि फिर से सीता साहू को मेयर बनाने के बाद पटना का कितना विकास होता है। बहरहाल, आप तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आईवी टीवी के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।